सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्ट्रोम बाय द यूट्यूब चैनल। दिस इज योर स्ट्रोम शक्ति और हम लोग आ चुके नए वीडियो के साथ जो होने वाले आलोक वर्सेस जोटा के ऊपर। क्या आपको जोटा कैरेक्टर लेकर खेलना चाहिए? जोटा कैरेक्टर अच्छा है क्या बुरा है? क्या जोटा आलोक से कंपेयर हो सकते हैं? इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। जोटा कैरेक्टर का एक खासियत है, अगर आप लोग SMG और SGMO वाले गन से किसी एनिमी को मारोगे, वो आपको इंस्टेंटली उसका मैक्स लेवल पर आपको वो 40 HP देगा। आप देख सकते हो HP मेरा बढ़ रहा है, यहाँ पे दो हेडशॉट के साथ मेरा HP बढ़ गया है। इसी तरीके से जोटा कैरेक्टर आपको HP बढ़ाने में मदद करेगा। इस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं बंदे को हेडशॉट दे दिया। आप लोग स्लो मोशन में देखो, मेरा HP 30 से 77 हो गया इस जोटा का यूज़ करते हुए। मेरा अब जोटा लेवल 5 में, लेवल 6 में नहीं गया, इसीलिए आपको 37 प्लस मिल रहा है। नो डाउट जोटा कैरेक्टर फ्री फायर में वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर है जो 100 डायमंड के टॉप अप में मिला है। इस जोटा कैरेक्टर का यूज बहुत सारे है। मान लीजिए आप रस करके खेल रहे हैं, किसी के ऊपर रस कर रहे हैं, वो एनिमी आपको डैमेज दे दिया और आप उससे डैमेज खा गए हो बहुत ही, और आपने किल कर दिया SMG गन या शॉर्ट गन से, इंस्टेंटली आप अपने HP 40 पा जाएंगे। और आप यदि पांडा को यूज़ में लेते हैं तो आप इंस्टेंटली 50 HP पा जाएंगे वही टाइम पे। जोटा कैरेक्टर का और एक डिसएडवांटेज ये है कि इसका कूल डाउन टाइम है 5 सेकेंड। एक एनिमी को किल करोगी आपको 40 HP मिलेगा, और एक एनिमी को किल करोगे 5 सेकंड के बाद तब भी 40 HP मिलेगा। 5 सेकंड से पहले आप किल करोगे तो आपको HP नहीं मिलेगा। अब आते हैं आलोक कैरेक्टर के ऊपर। आलोक कैरेक्टर का स्किल आप जब यूज़ करोगे आपको 15% मूवमेंट स्पीड मिल जाएगा और आपका HP 50 HP बढ़ जाएगा 10 सेकंड में। आप लोग इस सिचुएशन में देख सकते हैं, मैं बहुत ही डैमेज खा गया, उसको हेडशॉट देके ख़त्म कर दिया और मैंने आलोक का स्किल यूज़ करा और मेरा HP बढ़ा दिया। आप लोग इस तरीके से आलोक को अपना यूज़ में ला सकते हैं। आलोक कैरेक्टर का एक बड़ा ही डिसएडवांटेज ये है कि इसका जो स्किल है वो एक्टिव स्किल है। एक्टिव स्किल का मतलब है इसका स्किल को आप दूसरे कैरेक्टर के अंदर यूज़ नहीं कर सकते, इसका स्किल आप खुद इसमें ही यूज़ कर सकते हैं। और इसका कूल डाउन टाइम भी 30 सेकंड है। 30 सेकंड को बहुत ज़्यादा भी नहीं बोल सकते, बहुत कम भी नहीं बोल सकते। नो डाउट आलोक कैरेक्टर फ्री फायर में सबसे बेस्ट कैरेक्टर माना जाता है क्योंकि उसका स्किल है बहुत ही बेस्ट। पर जब जोटा को कंपेयर करते हैं आलोक के साथ, जोटा भी किसी से कम नहीं है, जोटा कैरेक्टर भी बेस्ट है मेरे हिसाब से। जोटा का जो काम है वो अलग है, आलोक का जो काम है वो अलग है। जोटा रसर के लिए है और आलोक रसर और सर्वाइवर दोनों के लिए है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।